फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हाहाकार मच गया था जब वोडाफोन जैसी कंपनी, एयरटेल जैसी कंपनी और आइडिया जैसी कंपनी ने दोस्तों नवंबर के अंदर मिनिमम रिचार्ज की कंडीशन ला दी थी। मतलब आपको मिनिमम रिचार्ज कराना ही होगा, कुछ 35 रुपए का रिचार्ज आपको हर महीने कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते तो आपकी 15 दिन के अंदर आउटगोइंग बंद हो जाती है और आपकी जो इनकमिंग है वो 30 दिन के अंदर बंद हो जाती है। मतलब आपका नंबर एक्टिवेट रखने के लिए आपको रिचार्ज तो करना ही होगा। और दोस्तों इस ट्रिक के साथ इन्होंने अपने जो टॉक टाइम वाले प्लान थे दोस्तों, जो 10 रुपए का भी आता था आपको, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 10,000 रुपए तक के आते थे दोस्तों, उनमें से सारे के सारे बंद कर दिए थे। कुछ सिलेक्टेड यहाँ पे आपके टॉक टाइम प्लान चालू रखे थे, 10 रुपए का था, 1000 का था, 5000 रुपए का था, बाकी सारे के सारे टॉक टाइम प्लान यहाँ पे बंद कर दिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आज वोडाफोन, अगर आपने थंबनेल देख लिया होगा तो वोडाफोन ने यहाँ पे 3 दोस्तों फुल टॉक टाइम यहाँ पे रिचार्जेस लॉन्च कर दिए दोस्तों। यहाँ पे 50 रुपए का भी है, 100 रुपए का भी है, 500 रुपए का भी है, जहां पे आपको मैक्सिमम 84 डेज तक की वैलिडिटी मिलती है। तो दोस्तों कितना दम है इन तीनों के तीनों रिचार्ज में, क्या है दोस्तों कंडीशन, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो चले फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और उसके पास ही घंटी का बटन दिखता है उसे जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी जानते हैं वोडाफोन आइडिया दोस्तों, ये सारी कंपनी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सारी कंपनी ने नवंबर के अंदर यहाँ पे एक ट्रिक करी थी दोस्तों, जिसको बोलते हैं मिनिमम रिचार्ज की कंडीशन, जो हम सबको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जियो में इस तरह से कुछ भी नहीं, आपको हर महीने रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं, अगर नहीं कराते तो भी आपकी इनकमिंग चालू रहती है। लाइफ टाइम इनकमिंग को यहाँ पे बंद कर दिया गया इन सारी कंपनी की तरफ से, अब आपको मिनिमम रिचार्ज तो करना ही पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने अपने जो टॉक टाइम वाले रिचार्ज थे वो सब बंद कर दिए थे। लेकिन अब यहाँ पे वोडाफोन ने, एयरटेल ने थोड़े दिनों पहले स्टार्ट कर दिए थे कुछ रिचार्ज, लेकिन यहाँ पे वोडाफोन ने दोस्तों अपने 3 यहाँ पे रिचार्ज टॉक टाइम वाले यहाँ पे लॉन्च कर दिए, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का। दोस्तों अब यहाँ पे टॉक टाइम वाला रिचार्ज आपको वोडाफोन की तरफ से मिलने वाला है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वोडाफोन दोस्तों आपके यहाँ पे 3 नए रिचार्ज दे रहा है, इसमें आपको क्या मिलने वाला। सबसे पहले बात करते हैं 50 रुपए का दोस्तों, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 39.37 यानी 39.37 रुपए का आपको टॉक टाइम मिलने वाला है, इतना बैलेंस आपको मिलने वाला है। वैलिडिटी की बात कर ले तो वैलिडिटी यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं, लेकिन आपको 28 दिन तक आपको कोई टेंशन नहीं, 28 दिन तक दोस्तों आपकी जो इनकमिंग आउटगोइंग चलती रहने वाली है। लेकिन अगर 28 दिन के बाद अगर आपने रिचार्ज नहीं कराया तो दोस्तों आपका जो बैलेंस है वो उसमें से आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, मतलब 28 दिन की आपको वैलिडिटी मिलने वाली है, ये तो कंडीशन है दोस्तों। और ये जो आपका बैलेंस होगा ये कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। 50 रुपए के रिचार्ज का आपको यहां मिलने वाला है 39.37 टॉक टाइम आपको मिलने वाला है दोस्तों यहां पे, और जिसके अंदर आप यहां पे 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आप यहां पे कर सकेंगे। 29वें दिन दोस्तों आपको यहां पे आपका रिचार्ज करना ही पड़ेगा, मतलब कंडीशन तो वही है दोस्तों कि आपको रिचार्ज तो हर महीने करना है। दूसरा वाला रिचार्ज दोस्तों यहाँ पे जो है 100 रुपीज का, यहाँ पे आपको 100 रुपए वाला रिचार्ज है जहाँ पे आपको 100 रुपए का फुल टॉक टाइम मिलेगा। 100 रुपीज में आपको 100 रुपीज का फुल टॉक टाइम मिलने वाला है फ्रेंड्स, इसमें आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलने वाली है। अब तीसरे रिचार्ज की तरफ चलते दोस्तों, जो तीसरा है दोस्तों 500 रुपए का रिचार्ज है, 500 रुपए के रिचार्ज में आपको 500 रुपए का टॉक टाइम वाउचर दोस्तों जिसको बोला जाता है, इसमें 84 डेज की दोस्तों आपको वैलिडिटी मिलने वाली है। इस प्लान के ऊपर दोस्तों एक चीज होती है, जो भी आपका बेस प्लान चल रहा है ये तीनों ही प्लान के अंदर, जो आपका बेस प्लान चल रहा है, तो आप जैसे कि आपका 70 डेज का कोई प्लान चल रहा है और आपने यहाँ पे 50 रुपए का रिचार्ज कर दिया जहां पे आपको 39 रुपीज का बैलेंस मिल गया, तो आपकी वैलिडिटी 28 डेज नहीं होगी, आपकी वैलिडिटी 70 डेज होगी, विच इज हायर। आपका जो करंट प्लान चल रहा है जिसकी वैलिडिटी अगर ज्यादा है तो आपकी वैलिडिटी उतनी होने वाली है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे 3 प्लान यहाँ पे लॉन्च कर दिए टॉक टाइम वाले हैं दोस्तों। ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते कभी भी टॉक टाइम वाले प्लान, क्योंकि 50 रुपए में आपको यहाँ पे 39 रुपीज यानी ऑलमोस्ट 40 रुपीज समथिंग आपको मिल रहा है, 100 रुपए में पूरा आपको 100 रुपए मिल रहा है, 500 में आपको फुल 500 रुपए मिल रहा है, 84 डेज की आपको वैलिडिटी मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ वैलिडिटी एक्सटेंड करते हैं, जो आपको कॉल वगैरह के लिए, डेटा वगैरह के लिए, इसके लिए तो आपको एक कॉम्बो प्लान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन सारे प्लान के अंदर आपको स्टैंडर्ड कॉल चार्जेस लगते हैं। इस बेटर आप यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म वैलिडिटी वाला प्लान ले सकते हैं, या तो आप 150 वाला दोस्तों प्लान ले सकते हैं जहां पे आपको ऑलमोस्ट 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, या तो दोस्तों आप यहाँ पे 70 डेज वाले या तो 84 डेज वाले कॉम्बो प्लान ले लीजिए, जहां पे आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ मैसेज भी मिलते हैं, डेटा भी मिलता है पर डे, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि ये चीजें मुझे कभी भी दिमाग में उतरती नहीं जो टॉक टाइम वाले प्लान होते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इनकमिंग और आउट इनकमिंग के लिए ही कॉल यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर ज्यादा कॉलिंग नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए इस तरह के टॉक टाइम प्लान होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग यूज करते हैं, तो वहां पे आप इस तरह के टॉक टाइम प्लान यूज कर सकते हैं, जो कभी फिलहाल अगर बाय चांस अगर आपने कॉल कर लिया तो ये काम आते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे इसको अच्छा कदम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोस्तों यहां पे मिनिमम जो इनकी रिचार्ज वाली कंडीशन उसके साथ फिलहाल लगी भी दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि इनको आने वाले टाइम के अंदर मिनिमम रिचार्ज कंडीशन हटा देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि जियो का जो एआरपीयू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इन सभी से ज्यादा है और जियो के जो रेट है इन सभी से बेस्ट आते हैं। इसलिए दोस्तों इन सारी कंपनीज को जब से जियो आया पिछले 2 साल से सभी को नुकसान हो रहा था, इनके जितने
जो सब्सक्राइबर थे वोडाफोन एयरटेल आइडिया, वो सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग के लिए इनका नंबर यूज कर रहे थे, और एक्चुअल में कॉलिंग के लिए डेटा के लिए वो जियो यूज कर रहे थे। इसलिए इन सारी कंपनीज को घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था। इन सभी कंपनी ने अब लॉयल कस्टमर के लिए, मतलब अब जो भी इनके पास कस्टमर होंगे वो उनको हर महीने कुछ ना कुछ तो कमा के देंगे, इसलिए उन्होंने मिनिमम रिचार्ज की कंडीशन लगा दी है, जो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो गलत चीज है। लेकिन दोस्तों देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। अगर इन सारी कंपनी को मार्केट में सर्वाइव करना तो डेफिनेटली इनको कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा, मिनिमम रिचार्ज हो सकता है आने वाले टाइम में हटा दिया जाए। तो दोस्तों ये थी गुड न्यूज आई थी वोडाफोन की तरफ से कि वोडाफोन ने यहाँ पे एक नहीं दोस्तों तीन यहाँ पे टॉक टाइम रिचार्ज क्लोज कर दिए, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, जहां पे मैक्सिमम आपको 84 डेज की वैलिडिटी मिलती है फ्रेंड्स 500 रुपए के टॉक टाइम के साथ। तो मुझे बताइए दोस्तों आपको वोडाफोन के कदम कैसे लगा। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं फ्रेंड्स, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोनील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही देखिएगा एक घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना, क्योंकि उसको दबाने से जब भी मैं ब्रेकिंग न्यूज मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।